एग्जाम्पल नंबर 11 के साथ. एग्जाम्पल नंबर 11, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192. सेम जैसे एपी में देते थे, कोई दो टर्म दे दी, उन्होंने जीपी में मुझे दिया है कि जीपी की जो थर्ड टर्म है वो है 24, जीपी की जो सिक्स्थ टर्म है वो कितनी है 192. आपको जीपी की 10th टर्म निकालनी है, यही कहना चाह रहे हैं. अब मुझे बताओ थर्ड टर्म का मतलब क्या है, जीपी की थर्ड टर्म मतलब, थर्ड टर्म का मतलब क्या है? स्क्वायर ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24, बिल्कुल बढ़िया. एंड सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या है? ए आर 5 इज इक्वल टू 192. इफ यू रिमेम्बर दैट जब हम वन उसमें करते थे एपी के अंदर, तो दो इक्वेशंस आती थी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसे कैलकुलेट करते थे, यही करते थे. यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस आ रही है इन्हें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, वैसे आप एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में भी पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू. आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आपने इसे लिख दिया ए आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 192, ए आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो. तो आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी ऑप्शन यूज कर सकते. तो ये 24 8 जा होता है, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2. कोई दिक्कत परेशानी मैंने कैसे निकाला, आप सीधा डिवाइड करके भी निकाल सकते थे या एक से वैल्यू दूसरे में पुट करके भी निकाल सकते हो. अब मेरे पास आर आ गया तो ए की वैल्यू क्या होगी, इधर पुट करूं ए 4 इज इक्वल टू 26, ए कितना आ गया 6. अब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, तो मेरी 10th टर्म क्या होगी, दैट इज ए आर की पावर 9, यानी कि 6 इंटू 2 की पावर 9. अब कैलकुलेट करना, इट्स अप टू यू, आप मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो. हाँ जी बच्चा, क्लियर है क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी क्लियर है. एग्जाम्पल नंबर 11 कैसे किया?